हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में एक और बड़ा संशोधन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब से फॉर्म निकले हैं तब से लगातार कोई ना कोई संशोधन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला। अभी तक जैसे कि सी टेट फेल अभ्यर्थियों को भी इन्होंने यहाँ पर वैलिड घोषित कर दिया कि आप इसमें फॉर्म फिल कर लीजिए। नेक्स्ट संशोधन जो कल हुआ है कि बी एड और डी एल एड के लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका भी क्वालिफाई नहीं हुआ है बट वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब ये जो बड़ा संशोधन हुआ है ये है कि अगर आप बिहार के स्थायी निवासी नहीं हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। समझ रहे हैं इससे कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई होने वाला है। यानी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप बिहार शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। इतने ज़्यादा फॉर्म पढ़ सकते हैं आप खुद ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर स्थायी निवासी होने की जो अर्हता है उसको अनिवार्य नहीं माना गया है। आप कहीं के भी हों आप फॉर्म फिल करिए, अपनी तैयारी करिए और एक सीट बिहार शिक्षक भर्ती की अपनी पक्की करिए। लेकिन तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ही कम समय में ही ये करा रहे हैं। अगस्त में ही आपका एग्ज़ाम है एंड जून ख़त्म होने वाली ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो पूरी कोशिश करिए कि एक शिक्षक भर्ती में आप एक गवर्नमेंट सीट अपनी पक्की कर पाएँ। तो बने रहिए यूज़फुल वीडियो के साथ में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।